हेलो दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में भी यदि कॉल आता है और आपका जो रिंगटोन है वो पहले स्लो बजता है और धीरे धीरे जो है इंक्रीज होता है, यानी कि जो रिंगटोन की आवाज़ है धीरे धीरे बढ़ती है यानी तेज होती है, तो आपको इस वीडियो में इसका सलूशन हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको ठीक करेंगे। या फिर एक और प्रॉब्लम आती है इसमें कि आपके मोबाइल में जो रिंगटोन है, वॉल्यूम है, सबसे पहले तेज़ बजता है स्टार्टिंग में और उसके बाद से वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होगा, कम होने के बाद से एक लेवल पर जा करके कम हो जाता है और उसी लेवल पर कम में ही वो बजता रहता है जब तक आपका कॉल कट ना जाए। तो ऐसा होता है, एक तो कम बजता है स्टार्टिंग में, तेज़ बजता है और लास्ट में कम बजने लगता है, और दूसरा जो है स्टार्टिंग में कम बजता है और बीच में धीरे धीरे वो बढ़ कर के तेज़ हो जाता है। तो दो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है इसमें। इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे आप निकालेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कैसे इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी आपको या फिर इस सेटिंग्स को कैसे आप बंद करेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपको मिलेगी इसमें। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको बंद करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद से हम अपने मोबाइल में सेटिंग्स को यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद से हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद से आपको ऑप्शन मिलता है नीचे एडिशनल सेटिंग का। एडिशनल सेटिंग के ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है ऐप्स का। तो हम यहाँ से ऐप्स को ओपन करेंगे यहाँ से इस पर क्लिक करके। यदि आपके मोबाइल में यह नहीं मिल रहा है, आपका मोबाइल हो सकता है कोई और मॉडल का है, और कंपनी का है, तो आपके मोबाइल में यदि नहीं मिल रहा है, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद से ऊपर सर्च बार में आपको टाइप करना है, यहाँ पर आपको ऐप्स लिखना है। ऐप्स लिखने के बाद से आपको यहाँ पर ऐप्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद से चलिए हम यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद से हम यहाँ से ऐप्स पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है सिस्टम ऐप सेटिंग का। तो हम यहाँ से सिस्टम ऐप सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है, कई सारे ऐप्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कॉल सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे जो इनकमिंग कॉल सेटिंग का है इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद से हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पर आने के बाद से आपको बता दें कि यदि आपके मोबाइल में सबसे पहले रिंगटोन तेज़ बजता है और उसके बाद से धीरे बजता है और उसी लेवल पर बजता है लास्ट तक जब तक कॉल कटता नहीं है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम यहाँ से है, यानी कि ये वाला सेटिंग्स जो है ऑन है, ऊपर वाला जो है ये वाला ऑन है। ये जो क्विट रिंगर वेन लिफ्टेड का जो ऑप्शन है ऊपर, ये वाला ऑन होगा। ये सेटिंग जब ऑन हो जाएगा तो आपके मोबाइल में रिंगटोन पहले तेज़ बजेगा, उसके बाद से कम हो जाएगा धीरे से और उसी लेवल पर लास्ट तक बजेगा जब तक आपका कॉल कट नहीं जाएगा। तो इसको आपको ऑफ़ कर लेना है यदि आप तेज़ बजाना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम जो है आपका बीच वाला है, जो इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम का। अब बात करते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम का। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर, ये दूसरे नंबर पर जो इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम का है, ये वाला है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रिंगटोन है पहले कम बजता है और धीरे 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 वो तेज़ होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तब जाकर लास्ट तक वो वॉल्यूम फुल हो जाता है। तो इस तरह से बजता है, पहले कम बजता है या फिर दो चार सेकेंड तक कम बजता है और धीरे धीरे से तेज होता है, अचानक से वो एक लेवल पे नहीं बजता है, वो धीरे धीरे ही आपका वॉल्यूम तेज होता है। तो अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, उसको अगर ठीक करना चाहते हैं, तो इसको आपको ऑफ कर लेना है। ये सेटिंग जब ऑन होगा तो आपके मोबाइल में कॉल आएगा तो सबसे पहले रिंगटोन कम बजेगा और धीरे 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 वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। तो इसको यदि आप ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आपको ऑफ कर देना है। तो दोनों प्रॉब्लम जो है इस सेटिंग से ही है। इसमें ऊपर वाली सेटिंग में क्या है कि आपका रिंगटोन जो है पहले तेज़ बजेगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा, और नीचे वाले सेटिंग में है जो पहले कम बजेगा और धीरे धीरे जो है रिंगटोन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यदि आप दोनों को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आकर के बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला जो घंटा है उसको दबा दें, ताकि हमारी चैनल पर हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर से ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।